subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अच्छा बेटा, बेटा मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता मगर अबू मैं यूनिवर्सिटी जाना तो छोड़ सकती हूँ लेकिन लॉ कॉलेज नहीं। तुम्हारी माँ तो पागल है, पढ़ लिख कर बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाह रही है, कोई बुरा काम नहीं कर रही। अब्बू को हमारे मुस्तकबिल से कोई सरोकार नहीं अम्मी, ये हमसे नफरत करने लगी है। नहीं बेटा नहीं, बेटा ऐसे नहीं कहते, बेटा चाहत तो उसके लिए भी है जिससे मैं मुंह छुपाता था। अब देखो मैं उसके मिलने के लिए तड़प रहा हूं। फिर उसके लिए अबू, उसका छीना हुआ मकाम दिलाने के लिए अबू, मुझे आपके हौसले और मोहब्बत की जरूरत है। मेरी बेटी, मैं लाऊंगी उसे, वो आएगी। अबू मैं लाऊंगी उसकी बेगुनाही साबित करके। अफशी बेटी, तुम्हारा भाई जेल में है, वो किसी वक्त भी छूट कर आ सकता है और मैं किसी नए तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी सख्त नहीं है मुझ में। अब्बू आप मुझे जाने दीजिए, मैंने हर नए तूफान का रुख होने का तहिया कर लिया है। बेटा क्या तुम अपने भाई, हालात और अपने मुकद्दर से लड़ सकोगी? अबू मैं भाई को जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। वक्त ने उसके हाथों में बंदूक थमाई और वक्त ही उसके हाथों से बंदूक छीनेगी। मेरा बच्चा बेचारा लोगों के ताने सुन सुन कर इस हाल को पहुंचा है। मैं समेटूंगी उन्हें, मैंने हकीकत पा ली है। वक्त, मुकद्दर और हालात से जंग लड़ना सीख चुकी हूँ। ठीक है बेटी, मैं अपनी बेटी की फितरत से वाकिफ हूँ। जाओ, अल्लाह ने कहा, जाओ। ओके अम्मी, अबू अल्लाह हाफिज़। होगा सर खुद अपनी गैरत के तकाजे पूरे करके। रबिया तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है कि जगह औरतों के आने जाने की नहीं है। फहद, जिस तरह मैं यहाँ आई हूँ तो कोई दूसरा भी तो बेकसूर यहाँ आ सकता है। तुम सलाखों के उस तरफ खड़ी हो और जिस दूसरे की तुम बात कर रही हो ना, वो सलाखों के इस तरफ खड़ा है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तुम्हारी बहन है, सगी बहन। तुम्हारी और उसकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। क्या तुम अपने आप से ऐसी पस्ती की उम्मीद कर सकते हो फहद? उम्मीद तो अपनी बहन से भी नहीं कर सकता रबिया। जानता हूँ कि वो बेगुनाह है, लेकिन मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वे जगह हेरोइन के साथ कैसे पकड़ी गई। फहद, फातिमा को ट्रैप करके वहां ले जाया गया था। वो तो गुड़िया के लिए डॉक्टर को लेने गई थी। फहद, जरा फातिमा के बारे में सोचो, उन पर क्या गुजर रही है। बेघर, जान का खतरा,
ममता तिवारी इस वक्त दारुल अमान में पड़ी है। रबिया, अगर अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो ये लोग मुझे बेगैरत कहेंगे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो फातिमा की जुबान बनकर दुनिया की वो सारी हकीकत बतानी चाहिए थी। तुम ये जानते हो फाहर, ये भी जानते हो कि कोई कुछ कहना चाहे और कहना पाए तो क्या गुजरती है। Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos.